नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए है THR के बारे में। बहुत सारे कमेंट आया है कि THR जो हम लोग करते हैं सर, तो THR किनको करना है और किनको नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग खास जानकारी करेंगे। यानी कि बहुत सारे को जानते होंगे कि जैसे कि आप लोग को THR में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि लैक्टेटिंग मदर हुआ और यहाँ पे 0 माह से 6 माह, तो बहुत सारा ने कमेंट किया कि सर मेरा जो है 0 माह से 6 माह वाले बच्चे में THR शो नहीं कर रहा है। तो हम आप लोग को इसी के बारे में बताएंगे कि THR जो हम लोग 0 से 6 माह के बच्चे हैं, इसको हम लोग को कैसे करना है, किसको करना है, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए कि किस प्रकार से आप लोग को करनी है या नहीं करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पोषण ट्रैकर को हटा दिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो पोषण ट्रैकर है इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करने के बाद आप लोग को देखेंगे कि इस तरह से फाइल खुल के आ जाएगी। आप जैसे ही फाइल खुल के आएगी तो आप लोग को तो THR करने के लिए सबसे पहले आप लोग को बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। तो चलिए हम THR करने के लिए बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में हम लोग जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को इस तरह से फाइल खुल के आएगी। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि THR तो आप लोग प्रेग्नेंट वोमेन को तो कर लेंगे, तो आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि प्रेग्नेंट वोमेन में आप लोग को यहाँ पर THR मिल जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो चाइल्ड है, जो 6 माह से 3 साल वाले बच्चे को, इसको भी आप लोग THR आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ पे 3 ईयर से 6 ईयर वाले बच्चे को भी THR आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग को क्या करनी है कि जैसे कि आप बहुत सारा कमेंट आया था कि सर जो 0 माह से 6 माह वाले बच्चे को THR हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो 0 माह से 6 माह वाले बच्चे को THR आप लोग को किसको करनी है, यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर यानी कि आप लोग को स्तनपान कराने वाली महिला को आप लोग को THR करने की, क्योंकि आप लोग को ये इनका THR कर दिए तो आप लोग को पर्सनली आप लोग को यहाँ पे जो 0 माह से 6 माह के वाले बच्चे को है तो इसको तो THR हो जाएगी। तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो आपने आपको THR जो मिलेगी आप लोग को यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर यानी कि स्तनपान कराने वाली माता को आप लोग को मिलेगी THR करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी कर लिए हैं और करने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्तनपान कराने वाली माता है इनको हम लोग THR करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो THR करने के लिए आप लोग को सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है, यहाँ पे आप लोग को जो 3 डॉट दिया गया है इस पर आप लोग क्लिक करना होगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जानकारी एंटर जो है इस पर आप लोग को क्लिक करना होता है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे पोषण हस्तक्षेप, तो इसमें जाके आप लोग THR करते हैं। तो इसके बारे में हमने वीडियो पहले ही बता चुके हैं कि THR आप लोग को कैसे करनी है। और इस तरह से आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन यही था कि जैसे कि हमने THR बहुत सारा कॉल भी आया हुआ था कि THR करने के लिए सर हम जो 0 माह से 6 माह वाले बच्चे को हम लोग क्लिक करते हैं तो इसमें हम लोग को THR नहीं मिलती है। तो ये इतना आप लोग तो समझ रहे हैं कि जो THR कीजिएगा तो इसमें सूखा राशन मिलता है, तो ये 0 से 6 माह वाले बच्चे को तो राशन मिलता है लेकिन इसमें इनका जो ये तो खा नहीं सकते हैं, इसलिए इनका THR किन के लिए किया जाता है, यहाँ पे आप लोग को स्तनपान कराने में माता को किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को जो THR करनी है। सो जैसे कि आप लोग बहुत सारा, जैसे कि हम एक ID खोले थे, इसमें जैसे कि यहाँ पे बच्चा ज़्यादा है, जैसे मैं यहाँ पे 15 बच्चा है और यहाँ पे कम है, तो आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप लोग को THR करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि धात्री के लिए यानी कि स्तनपान कराने वाली माता के लिए THR के लिए आप लोग को कितना करनी है, यहाँ पे कम से कम आप लोग को 8 करनी है। तो यहाँ पे आप लोग जितना बच्चा होगा, यहाँ पे जो 0 माह से 6 माह वाले बच्चे होंगे उतना आप लोग को स्तनपान कराने वाली माता को भी डालना होगा। तो इतना आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग जब THR करते होंगे तो आप लोग को धात्री महिला यानी कि स्तनपान कराने वाली माता को आप लोग THR जो करते हैं सो आप लोग को यहाँ पे फुल्ली होना चाहिए, यानी कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 15 है, तो इसी तरह से आप लोग को जो बच्चा जो है ये भी 15 होनी चाहिए। तो ये आप लोग को यहाँ पे जो ये दोनों है ये सही है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि जो 0 माह से 6 माह वाले बच्चे जो होंगे इनको भी सेम डालना है और यहाँ पे स्तनपान कराने वाली माता को भी 15 डालना है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे जो THR करनी है किनको, स्तनपान कराने वाली माता को यानी कि लैक्टेटिंग मदर को। तो चलिए हम एक को THR करके आप लोग को बता देते हैं, यानी कि आप लोग को सबसे पहले जैसे कि स्तनपान कराने वाली माता जो है इनको THR हम लोग कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले आप लोग क्लिक करेंगे, इससे पहले भी आप लोग को वीडियो बता चुके हैं, आप लोग जाके हमारे आंगनवाड़ी हेल्पलाइन पर सर्च करेंगे, वहाँ भी आप लोग को आसानी से मिल जाएगी कि THR कैसे करनी है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि THR आप लोग को देखना, तो हम आपको बढ़ा देते हैं यहाँ पे कैसे करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग 3 डॉट जो देख रहे होंगे इस तरह से, इस 3 डॉट पे आप लोग क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप लोग को इस तरह से पेज खुल के आएगी, और आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे जानकारी एंटर करें, यहाँ पे हम लोग क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि पोषण स्तर का आप लोग को यहाँ पे फाइल खुलेगी और इसमें कुछ सवाल पूछे जाएगी, आप लोग को जवाब देना है सही सही, यानी कि आप लोग को जो हकीकत है वही डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पोषण आपूर्ति, यहाँ पे पोषण आपूर्ति में भी ठीक डालना है, और यहाँ पे पोषण हस्तक्षेप में, तो पोषण हस्तक्षेप में ही हम लोग को THR मिलती है, THR भरने के लिए मिलती है, यानी कि 25 दिन का सूखा राशन हम लोग को डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हम पोषण स्तर है यहाँ पे क्लिक करते हैं, इनका हम जैसे कि यहाँ पे देखिए शिशु का आप लोग को वजन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को जो शिशु का वजन है पहले तो आप लोग को यहाँ पे पूछ लिया, क्योंकि आप लोग को THR करनी है, तो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे कि शिशु का वजन जो है हम लोग को यहाँ पे जो देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे शिशु का वजन हम लोग को डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो उनका हाइट जो है सेंटीमीटर में आप लोग को डाल लेनी है। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे 0 माह से जो 6 माह वाले बच्चे हैं, तो पहले ही तो आप लोग को यहाँ पे उनके बारे में पूछ लिया जा रहा है कि कैसा हेल्थ है क्या नहीं है, इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि हम लोग ये जो बच्चा का जो हमने शिशु का जो वजन अभी हमने तौला है, तो यहाँ पे हमने उनको तौला इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पे बर्थ हाइट, तो आप लोग को बर्थ हाइट सेंटीमीटर में डालना है। तो इस तरह से हमने जो इनका जो अभी हमने किए हैं उस इस तरह से आप लोग को डाल लेनी है हाइट, और यहाँ पे आप लोग को कुछ सवाल पूछी जा रही है, इसके बारे में आप लोग को जवाब देनी है। क्या प्रसव से पहले घंटे के दौरान बच्चे को स्तनपान कराया गया, तो इस तरह से आप लोग को हाँ और नहीं में जवाब देना है। उसके बाद आप लोग को क्या बच्चे को केवल स्तनपान कराया जाता है, तो आप लोग को हाँ पे जवाब देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे में पूछा जा रहा है कि जैसे कि आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जैसे कि आप लोग को यहाँ पे नीचे में दिया जा रहा है हाइट और वजन, यहाँ पे हम लोग को डालनी है, यानी कि आप लोग को डालने की से पहले आप लोग देख रहे होंगे कि जो हाइट और यहाँ पे जो आप लोग को देखने को मिल रहा है हाइट और यहाँ पे वजन जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो इनका जो हाइट और वजन जो डालनी है यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है क्या, यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए क्या मिल रहा है कि यहाँ पे शिशु का पूछा जा रहा है, और यहाँ पे आप लोग को उनका माता का डालना है यानी कि उनका मदर का डालना है इस तरह से, यानी कि आप लोग को हाइट और वजन और हेमोग्लोबिन इस तरह से आप लोग को डालनी है। तो नॉर्मली आप लोग को यहाँ पे जो इनका माँ का जो वजन है वो इस तरह से आप लोग वजन डालेंगे, और इनका जो हाइट है तो इस तरह से उनका माँ का हाइट डाल दिए, और यहाँ पे उनका वजन डालना है, तो इस तरह से हमने वजन डाल लिया। और हेमोग्लोबिन नॉर्मली आप लोग को यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन होती है सो आप लोग को 12-13 इस तरह से आप लोग को नॉर्मली आप लोग लिख सकते हैं, तो इस तरह से हमने 11-12-13 इस तरह से आप लोग नॉर्मली हेमोग्लोबिन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबमिट मार देंगे इस तरह से। अब जैसे सबमिट मारिएगा तो ये कंप्लीटेड सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड जो सफलतापूर्वक बनाया गया इस तरह से आप लोग को होगा और बैक हो जाएगी, यानी कि आप लोग देखेंगे कि जो हमने पोषण स्तर जो हमने सबमिट मारा ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे 1 नंबर का, और यह 2 नंबर में आ गए हैं यानी कि पोषण स्तर में। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे पूछा जा रहा है फिर से आप लोग को यहाँ पे, क्या आपको कोई पोषण आपूर्ति दी गई, तो आप लोग को यहाँ पे जो भी आंगनवाड़ी से मिलता होगा यानी कि फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, तो इस तरह से आप लोग को जवाब दे लेनी है। जो भी आप लोग को आयरन की गोली मिलती होगी, विटामिन, कैल्शियम, तो इस तरह से आप लोग को टिक आउट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग को यहाँ पे ये जो पूछा जा रहा है ऊर्जा का सेवन, प्रोटीन का सेवन, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि ये वैकल्पिक है यानी कि ऑप्शनल है, तो इस तरह से आप लोग को डायरेक्ट इनको छोड़ देना है। उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट मार देंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले किनका जवाब दिया, ये पोषण स्तर को, और उसके बाद पोषण आपूर्ति को, और उसके बाद पोषण हस्तक्षेप में आ गए। तो इस तरह से हमने दूसरा भी कंप्लीट किया, और 3रा नंबर में यहाँ पे पोषण हस्तक्षेप में आ गए। तो सबसे पहले आप लोग को THR के लिए आप लोग को इतना करना होगा, जैसे कि अभी हमने THR के लिए यहाँ पे क्लिक किए, तो पोषण जो हस्तक्षेप है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, यानी कि THR के लिए कंप्लीटेड हम इस तरह से टिकट मार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डेज,
फॉर विच टी एच आर हैव बीन प्रोवाइड। तो इस तरह से आपने जो इनको जो टी एच आर दे रहे हैं वो कितने दिन के लिए दे रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग जो भी टी एच आर जिनका भी मिलता है तो नॉर्मली आप लोग को 25 दिन के लिए दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे 25 डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य जो सेवा आप लोग प्रदान कर रहे हैं यानी कि जो इनके माँ और बच्चे का जो स्वास्थ्य सेवा जो प्राप्त हो रहा है ये क्या चीज़ से हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो एलोपैथी दिया गया है यानी कि अंग्रेजी दवा, उसके बाद यहाँ पे हेमोपैथी, तो हेमोपैथी तो आप लोग समझ रहे हैं, उसके बाद आयुष दिया जाए मतलब आयुर्वेदिक दवा। तो इस तरह से सबसे पहले आप लोग एलोपैथी पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट सबमिट मार देंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे जैसे कि आप लोग को टी एच आर करने के लिए इसी तरह से करना होगा। यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपलोड हुआ, इस तरह से आप लोग को हो जाएगी और बैक हो जाएगी। और आप लोग को यहाँ पे जो भी जिनका भी आप लोग को टी एच आर करनी है तो इसी तरह से आप लोग को स्तनपान कराने वाली माता में करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोग जरूर समझ गए होंगे, तो एक बार हमारे वीडियो को एक बार जरूर लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाला कोई भी अपडेट हो आप लोग को जल्द से जल्द वीडियो मिलेगी। तो अगर आप लोग नहीं अभी भी समझ नहीं रहे होंगे तो एक बार जरूर आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप लोग देखेंगे तो मेरा नंबर जो है 7352 5960 इस तरह से मेरा जो नंबर है, और इस तरह से मेरा नंबर है, आप लोग डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल भी करेंगे, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा दूर कर दिया जाएगा। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना है, तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कतें होती होगी यानी कि आप लोग को पेपर कटिंग या कुछ भी अगर आप लोग को लेना हो, जैसे कि पेपर में न्यूज़ आती रहती है उसके बारे में अगर आप लोग जानकारी लेते हैं जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप एक बार टेलीग्राम को इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि आप लोग को प्ले स्टोर पर जाना है और टेलीग्राम पे इंस्टॉल करेगी। अगर आप लोग को चाहिए तो पेपर कटिंग अगर आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम, इस तरह से आप लोग को टेलीग्राम इंस्टॉल करना है। आप लोग टेलीग्राम को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप लोग को वहाँ पे सर्च, आप लोग सर्च करके टेलीग्राम पे वहाँ पे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन जैसे ही लिखेंगे तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि जो मेरा जो है ये जो आंगनबाड़ी हेल्पलाइन आप लोग को टेलीग्राम पर भी मिलेगी। और जो भी है जैसे कि पेपर कटिंग है, जैसे कि हमने पेपर कटिंग यहाँ पे डाला है तो इस तरह से आप लोग को पेपर कटिंग मिलेगी। और जितना भी आंगनबाड़ी सेविका इनका कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग न्यूज़ में आप लोग को देने के लिए आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि टेलीग्राम पर जितना भी है हमने पेपर कटिंग डालते रहते हैं, यानी कि हमको जो भी मिला वो से हम लोग आप लोग को हेल्प कर देते हैं, आप लोग के पास न्यूज़ पहुँचाते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हमने जितना भी पेपर कटिंग आते हैं तो इस तरह से हम लोग पेपर कटिंग देते हैं और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन से मिले। तो इस तरह से आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग को और भी दिक्कत अगर होती है तो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।